हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? राइस फ्रॉम द रिबल के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जो जी होता है वो उसे पूछ रहा होता है कि तुम उस ई रैंक की फुटवर्क स्किल के बारे में बात कर रहे हो। पुपेन बोलता है कि हाँ, मैं उसी के लिए बात कर रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं एक डील बनाता हूँ तुम्हारे लिए। ये जो ऑपरेशन जो चल रहा है अभी 3 दिन तक, उन दिनों तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे ये 3 चीज, मतलब वो जो स्किल थी वो सिखा दूंगा। और जियो उसकी बात सुन के एकदम हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और पुपेन बोलता है कि मैं एकदम सीरियस हूँ, तुमने मेरा नाम नहीं सुना, मैं जिनिंग सिटी में सबसे ज्यादा फेमस लड़का हूँ। और पेन हो मेरे फादर का नाम है। और तुम मोटा किसको बुला रहे हो? मैं कोई मोटा नहीं हूँ। जियो बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है पेन हो मेंसनरी गिल्ड का लीडर है। और वो पुपेन बोलता है कि मैं किसी और को अपना फादर क्यों बुलाऊंगा जबकि मेरे फादर पेन हो है। मैं बहुत से लोगों का टारगेट हूँ और वो सब मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। और पुपेन बोलता है कि मैं तुम्हें इस स्किल का छोटा सा हिस्सा तुम्हें ट्रांसफर करता हूँ तो तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट होगा। और वो उसकी जो वॉच में डेटा होता है वो जियो के हाथ में वॉच में ट्रांसफर कर देता है। और सिस्टम बोलता है कि जो विलो फ्लैश ई रैंक की जो स्किल है उसे सीखने के लिए इंतजार कर रहा है। और जियो बोलता है कि मुझे सिर्फ रिदम की जरूरत है, बाकी सब मेरा सिस्टम संभाल लेगा, वो अपने आप स्किल को पहचान लेगा और ये तो बहुत इजी है। पुपेन अपने मन में बोलता है कि ये लड़का एकदम शॉक हो जाएगा क्योंकि जो इस स्किल को सीखने की ट्रेनिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, मिलियंस में जाती है, पर ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और जियो उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारी डील एक्सेप्टेड है, मैं बाहर जाके जितने भी स्पाइडर्स हैं उन सबको मार देता हूँ, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे लेने आऊंगा क्योंकि ये जगह थोड़ी सेफ है। और वो पुपेन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि चलो पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं अपने आप को। और वो बोलता है कि मेरा नाम जियो है। और पुपेन बोलता है कि मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और अपने मन में बोलता है कि मुझे तुम्हारा नाम पहले से ही पता था। और तभी वहाँ पे किसी ने उन लोगों के ऊपर अटैक किया होता है और जो 2 ब्लेड्स होती है वो सीधा उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और जियो एकदम तेजी से अपनी स्वॉर्ड से उन लोगों को साइड कर देता है। और जियो बोलता है कि कौन हो तुम लोग, सामने आओ मेरे। और तभी वहाँ पे 3 लोग आ जाते हैं और वो पुपेन से बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम आराम से हमसे बच के भाग जाओगे उस डैमेज पैर के साथ। और पुपेन बोलता है कि एकदम गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पे भी आके मेरा पीछा करके। और वो 3 लोगों में से एक आदमी बोलता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते हो, और अभी तो तुमने एक और अनलकी आदमी को पकड़ लिया अपने साथ। और पुपेन जियो को बता रहा होता है इन लोगों के बारे में कि ये लोग मेरी लाइफ के पीछे पड़े हुए हैं और कहता है कि मैं इन लोगों को रोकता हूँ, तब तक तुम यहाँ से एस्केप करने की रास्ता ढूंढो। और साथ साथ वो बता देता है कि जो सिस्टर रियो ने उसको यहाँ पे भेजा था जियो को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो जियो को सॉरी भी बोलता है कि उसने इस प्रॉब्लम में उसको भी फंसा दिया और कहता है कि अगर तुम यहाँ से एस्केप कर जाओ तो मेरे डैड को जाके ये सारी बातें बता देना कि मेरे साथ क्या हुआ। और जियो अपने मन में बोलता है कि सिस्टर रियो ने इसको बोला था मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो आदमी कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम यहाँ से आराम से एस्केप कर जाओगे, मैं तुम लोगों को यहाँ से एस्केप नहीं करने जाने दूंगा, तुम दोनों यहाँ पे ही मरने वाले हो। और पुपेन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, तुम लोगों ने ये जो आर्मर पहना है इसके बाद में मैं तुम लोगों को पहचान पा रहा हूँ, तुम लोग ली फैमिली से हो, मैं आराम से तुम्हें स्मेल कर पा रहा हूँ। और वो तीनों एकदम शॉक होते हैं और उसमें से एक बंदा बोलता है कि इसने हमें कैसे पहचान लिया। और उनमें से एक आदमी उसको पंच मारते बोलता है कि ये हमें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तुम उसके ऊपर ध्यान मत दो। और जियो अपनी पास की बात को याद कर रहा होता है। वहाँ पे 3 लोग बैठे होते हैं जहाँ पे जियो के फादर जाते हैं और वो 3 लोग बोलते हैं कि आप हमें यहाँ पे बचा लीजिए, हम आपको आगे चल के मदद करेंगे। और जियो के फादर उन लोगों की हेल्प कर देते हैं और वो लोग जियो से ही बाद में मिलते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे फादर इतने स्ट्रांग है तो तुम भी आगे चल के एक इलाइट मेंबर बनोगे इस सोसाइटी के, जब तुम बड़े हो जाओगे तब। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला देना, मेरा नाम लाओ ली है। और जियो के डैड को आगे चल के अरेस्ट कर लिया था। और वहाँ पे एक आदमी बोलता है कि इस आदमी ने अपने काम बराबर नहीं किया था, ये आदमी हम सबको जब मॉन्स्टर आउटब्रेक हुआ था तब छोड़ के अकेला चला गया था और उसकी ये जो गलती है हम सब में से कोई भी इसे नहीं भुला सकता। और आगे दिखाया जाता है कि जो सिटी के लोग होते हैं वो भी बड़ी डिस्प्ले पे देख रहे होते हैं और बताया जाता है कि जो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जब आउटब्रेक हुआ था तब ये जो फादर थे जियो के वो भाग चुके थे वहां से और उन्होंने अपनी ड्यूटी को भी ध्यान में नहीं रखा और इसकी जो ये गलती है हम में से कभी भी कोई नहीं भूल सकता। और जियो एकदम गुस्से में बोलता है कि ली फैमिली का हेड ली होंग। और पुपेन बोलता है कि हाँ तुम सही हो। और यहाँ पे जियो एकदम बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसके जो फादर होते हैं उसको इसी ने फंसाया होता है। और पुपेन आगे बढ़ रहा होता है उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए और बोलता है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, पर पुपेन आगे बढ़े उससे पहले ही वापस जियो अटैक कर देता है उन लोगों के ऊपर एकदम तेजी से। और वो आदमी जियो से बोलता है कि तुम एकदम पछताओगे और बोलोगे कि तुम क्यों पुपेन से मिले थे। और यहाँ पे जियो एकदम खतरनाक स्माइल देता है उसको और अपनी पावर को एकदम तेजी से अनलिश करता है और
स्पॉट से अटैक करता है, जिससे जो सामने वाला आदमी होता है उसका जो आर्मर पहना होता है वो भी टूट जाता है और वो जोर से चिल्लाता है और इसी बाकियों के ऊपर भी अटैक कर रहा होता है। और तभी पुपेन बोलता है कि ये ऐसा कैसे कर पा रहा है, और वो लोग बोलते हैं कि ये बच्चा कौन है, ये इतना स्ट्रांग कैसे है। और ज्यू भी अपने मन में बोलता है कि ये लोग इतने स्ट्रांग नहीं है जितना ये दिखते हैं, क्योंकि ये तीनों के तीन स्टार वॉरियर्स है और इन लोगों के पास भी एफ रैंक का मीटोराइट वेपन है, मैं इन लोगों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। और ज्यू बोलता है कि अगर मुझे इन लोगों से लड़ना है तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि ये तीनों तीन बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत टाइम लेगा इन लोगों के साथ बैटल करना, और ये भले कितना भी लंबा बैटल जाए तो भी इन लोगों के पास हेल्पिंग के लिए कुछ लोग तो है ही। तो दोस्तों हमारा एपिसोड बस यही तक, अगर आपको मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।